हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली के अंदर जब भी आप ये चाहते हैं कि आप पीडीएफ में प्रिंट करें, ठीक है, तो आपका जो फाइल है, जो भी आप एंट्री पास करते हैं, वो पीडीएफ में प्रिंट हो जाए। दूसरी चीज कि जब भी आप ये चाहें कि उसे एक्सेल में लेके आए, यानी वो चीजें एक्सेल में आपको दिखे, तो वो एक्सेल में दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये, और जब आप चाहें कि उसे इमेज फॉर्मेट में प्रिंट करें, तो आप इमेज फॉर्मेट में ही उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर सके, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है टैली सॉफ्टवेयर में, वही बताने वाला हूं। तो चलिए आइए, टैली ERP9 हो या प्राइम हो, काम तो हर जगह सेम ही होता है, तो टैली ERP9 को ही ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर एक एंट्री पास करने वाले हैं और उसमें हम ये चीजें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं और एक परचेज की एंट्री पास करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस तरीके का प्रिंट आउट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे जो सप्लायर द्वारा दिया गया है, एंटर करेंगे और यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग, और यहाँ पर आप कैश या पार्टी क्रेडिटर का नाम डाल सकते हैं, फिलहाल कैश डाल देते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस आएगा, तो यहाँ पे एड्रेस सेम रख देते हैं, न्यू कॉलोनी, तो यहां कर दिया न्यू कॉलोनी देवरिया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर करके यहां पे आएंगे, तो यहां आता है परचेज का लेजर। देखिए लेजर बनाने का शॉर्टकट की होता है अल्ट सी, तो आपको अल्ट सी प्रेस कर लेना है, ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है। अब यहां पर लेजर का नाम क्या नाम रहेगा, तो यहां नाम रहता है परचेज अकाउंट, तो आपको भी यही रखना है, ठीक है, परचेज अकाउंट कर लीजिएगा, और इसका ग्रुप जो है परचेज अकाउंट रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे परचेज अकाउंट करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइए। अब यहां पर एंट्री पास करने की बारी है, लेकिन हमारे पास तो कोई स्टॉक आइटम नहीं है, तो अल्ट सी करके आप स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं। तो यहां पे एक स्टॉक आइटम बनाते हैं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्चून रिफाइंड, REFINED, तो ये लिख दिया फॉर्चून रिफाइंड, एंटर किया। यहां पे यूनिट बनाना कंपलसरी होता है, तो अल्ट सी करके यूनिट बनाइए, ठीक है। तो यहां पर जब यूनिट बनाने के लिए जाएंगे तो ये पूछ रहा है आपसे सिंबल, यूनिट का सिंबल क्या आएगा, तो यहां पे LTR कर देते हैं यानी लीटर, ठीक है, और फॉर्मल नेम LITRE लीटर कर दिया, और यहां पे 3 कर देते हैं ताकि डेसिमल वैल्यूज आ सके, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहां पर आए तो यहां 5 लीटर रिफाइंड ऑयल की बात हो रही है और 1 लीटर रिफाइंड ऑयल की खरीद रेट है 160 रुपए, तो 5 लीटर की कॉस्ट आ गई यहां पे। अब इसको एक्सेप्ट कराएंगे, यहां पे एक्सेप्ट कराया, आप यहां पे नरेशन भी डाल सकते हैं, द गुड्स हैव बीन परचेज, चलिए डाल ही देते हैं, तो द गुड्स हैज बीन परचेज्ड, ठीक है, ये डाल दिया, एंटर किया, तो ये एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अब ये एंट्री जब आप ओपन करते हैं तब यहां पर दिक्कत होती है, यहां पर देखिए अल्ट पी करेंगे और एंटर करेंगे, देखिए ये तो पीडीएफ में प्रिंट हो रहा है, लेकिन आप इसे एक्सेल फॉर्मेट में चाहते हैं, तो एक्सेल फॉर्मेट में कैसे प्रिंट करेंगे, समस्या यही है, ठीक है। तो अभी एक्सेल फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट पी करना पड़ेगा। चलिए अल्ट पी तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या खास है, तो यहां पर जैसे ही आप अल्ट पी करते हैं ना, तो यहां पर आपको नजर आता है क्या, एक्सपोर्ट, ये ऊपर आपको एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट ई, तो अल्ट ई प्रेस कीजिए, जैसे ही अल्ट ई प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं, तो यहां पर आपको अलग अलग फॉर्मेट्स दिखाई पड़ते हैं। अगर आपको एक्सेल में चाहिए तो यहां पे स्प्रेडशीट पे जाइए और एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइए, और देखिए प्रिंट आउट एक्सेल में निकलेगा, देखिए देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा प्रिंट आउट एक्सेल में आ रहा है कुछ इस तरीके से, देख लीजिए आप, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्रिंट आउट एक्सेल में ना निकले, ये इमेज फॉर्मेट में निकले, तो क्या करेंगे, अल्ट पी करेंगे और अल्ट पी करके एक बार एंटर कर देंगे, एंटर किया, तो देखिए अभी तो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन यहां पर जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे जाते हैं ना, तो एक्सपोर्ट पे जाते समय यहां पर आपको जाना है, ये जो दिख रहा है ना ये चीज, तो पहले तो यहां से आएंगे नीचे और एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद ये देखिए ये जेपीजी आ रहा है ना, अब देखिए ये जो है इमेज फॉर्मेट में प्रिंट आउट आएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आप जाएगा, इसका प्रिंट आउट किस में आएगा, जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। तो देखिए ये जेपीजी फॉर्मेट है, ये पीडीएफ नहीं है, अब ये जेपीजी फॉर्मेट है, ठीक है। तो जिस भी फॉर्मेट में आप निकालना चाहे प्रिंट आउट आसानी के साथ निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।